लॉकडाउन के दौरान जब लोग घरों में कैद थे उस वक्त अपना टाइम बताने से लेकर खुद के मन को बहलाने के लिए अलग अलग तरीके खोज रहे थे। उस वक्त लोगों ने यूट्यूब का सहारा लिया। सौरभ जोशी जो कि अपनी सामान्य जिंदगी को लेकर व्लॉग बना रहे थे, धीरे धीरे लोगों ने उन्हें फॉलो करना शुरू किया और देखते ही देखते लॉकडाउन के दौरान ही वो काफी फेमस हो गए। लेकिन मिलियन व्यूज और फॉलोअर्स वाले सौरभ जोशी की मुश्किलें अब बढ़ने लगी हैं। यहां तक कि उनको अनसब्सक्राइब करने की मुहिम सोशल मीडिया पर छिड़ गई है। उनका पुतला भी दहन किया जा रहा है। उत्तराखंड के कई जगहों पर उनके खिलाफ विरोध प्रदर्शन तेज हो गया है। लेकिन आखिर ऐसा हुआ क्या कि मिलियन व्यूज और फॉलोअर्स वाले सौरभ को इस तरह से सोशल मीडिया पर नफरत का सामना करना पड़ रहा है? बच्चे से लेकर बूढ़े जो सौरभ को फॉलो करते हैं, उन्होंने ऐसा आखिर क्या किया है? चलिए इस रिपोर्ट में आपको पूरा मामला समझाते हैं। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का लोकमत हिंदी पर। मैं हूं आपके साथ मेघना सचदेवा। सौरभ जोशी एक फेमस यूट्यूब ब्लॉगर हैं और वो अपनी सामान्य जिंदगी को लोगों तक पहुंचाते हैं, या फिर कहें कि अपनी अनफिल्टर्ड डेली लाइफ को वो लोगों को दिखाते हैं और शायद लोगों को उनका यही अंदाज खूब पसंद आता है। लेकिन अपने एक वीडियो में सौरभ कुछ ऐसा बोल गए कि देवभूमि उत्तराखंड के लोगों को पसंद नहीं आया। दरअसल सौरभ ने यह कहा कि उत्तराखंड और खासकर कुमाऊं का प्रवेश द्वार यानी हल्द्वानी इसीलिए फेमस हुआ क्योंकि सौरभ जोशी ने व्लॉग बनाना शुरू किए। सामान्य भाषा में अगर कहें तो उन्होंने कहा था कि लोगों ने मेरी वीडियोस के बाद उत्तराखंड और हल्द्वानी को पहचानना शुरू किया है, जिस पर मुझे गर्व है। और ये बात उत्तराखंड के लोगों ही नहीं बल्कि उनके फैंस को भी शायद रास नहीं आई, इसलिए सौरभ जोशी को सोशल मीडिया पर जमकर ट्रोल किया जा रहा है। सौरभ जोशी अपनी एक वीडियो में कहते हैं कि उनकी वीडियोस के जरिए लोग उत्तराखंड को जान रहे हैं, हल्द्वानी को जान रहे हैं। हल्द्वानी कुमाऊं का प्रवेश द्वार है जबकि उत्तराखंड को देवभूमि के नाम से जाना जाता है। ऐसे में उनकी ये बात उनके फैंस को रास नहीं आई। सोशल मीडिया पर तमाम लोगों ने सौरभ को घेरना शुरू कर दिया। वीडियो 8 दिसंबर की है। इस वीडियो में सौरभ अकेले नहीं है, उनके साथ कई पुलिस अधिकारी भी मौजूद है। इस वीडियो को एक जागरूकता अभियान के तहत शूट किया गया है। इसी वीडियो में सौरभ कहते हैं कि मेरी वीडियोस की वजह से लोग उत्तराखंड को जान रहे हैं, हल्द्वानी को जान रहे हैं। पहले कोई नहीं जानता था, ये मेरे लिए प्राउड की बात है। ये बात तो सही है कि सौरभ का यू फेमस होना उत्तराखंड के लिए गर्व की बात है, लेकिन सौरभ का ये कहना कि लोग उत्तराखंड को उनकी वजह से जानते हैं, ये लोगों को पसंद नहीं आ रहा है और अब उनके खिलाफ विरोध प्रदर्शन भी बढ़ता जा रहा है। सोशल मीडिया पर उन पर एक्शन तक की मांग हो गई है। आप सौरभ की इस बात को लेकर क्या कहते हैं, आप कमेंट कर हमें जरूर बताएं। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। तमाम देश दुनिया की खबरों के लिए आप लोकमत हिंदी को सब्सक्राइब जरूर कीजिए।